नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, देवी और सज्जनों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज मां के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर मां की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले, यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे पावन समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और जो इस कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, मैं जरूर कहता हूं कि उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है, और ट्रेन युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश मुश्किल से मिल रहे हैं। करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड है। इसलिए भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है। ये जो नए कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के गांवों में खुलने जा रहे हैं, ये भी युवाओं को दुनिया भर के अवसरों के लिए तैयार करेंगे। इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे, आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम, इतना बड़ा काम है
इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र के युवाओं को इस कौशल विकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, शिंदे जी और उनकी पूरी टीम से, कि इनके कौशल विकास में हमने सॉफ्ट ट्रेनिंग की ओर भी थोड़ा समय देना चाहिए, जिसमें अगर ये हमारे नौजवानों को विदेश जाने का मौका मिलता है तो सामान्य व्यवहार की जो बातें होती हैं, जो तजुर्बा होता है, एक 10-20 अच्छे दुनिया में काम में आ जाएं ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो, या एआई के माध्यम से उनको इंटरप्रेटर के रूप में लैंग्वेज समस्याएं न आए, तो ये चीजें विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती है। और इस प्रकार सॉफ्ट स्किल के लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाए, कोई ऑनलाइन मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएं, जो बाकी समय ऑनलाइन एग्जाम देते रहे ये बच्चे, तो हो सकता है कि एक विशेष विधा उनकी डेवलप होगी। साथियों, लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना विशेष विधा उनकी डेवलप होगी, साथियों लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है, अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर दिया। बहुत बल मिला है बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि हमारे दलित और वंचित भाई बहनों के पास उतनी जमीनें नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गरिमापूर्ण जीवन मिले,
इसके लिए वो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर बहुत जोर देते थे और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है स्किल, कौशल। अतीत में बड़ी संख्या में समाज के यही वर्ग स्किल्स के अभाव में अच्छे काम, अच्छे रोजगार से वंचित थे। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे सिचुएशन।